पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से वहां के लोगों का जनजीवन ठप पड़ गया है, तो मैदानी इलाकों में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग आहत हैं। लेकिन मुरादाबाद नगर निगम की तरफ से अभी तक अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण शहर के मुख्य चौराहों पर रात बिताने वाले लोग परेशानी झेलने को मजबूर है। दिसंबर आते ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसका सीधा असर पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बुरा असर पड़ता है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं वो लोग जो मुख्य चौराहों के नजदीक रात बिताने को मजबूर है या जो लोग घर से बेघर है। प्रदेश सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए एक मद बनाकर अलाव लगाया जा रहा है, लेकिन दिसंबर की 15 तारीख हो जाने के बाद भी मुरादाबाद नगर निगम को ठंड का एहसास नहीं हुआ है। या ये कहना ठीक होगा कि मुरादाबाद का नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जब आधी रात गरीबों के लिए लगने वाले अलाव को मुरादाबाद के चौराहों को चेक किया गया तो वहां का नजारा कुछ और ही बयां कर रहा था। लोग पन्नी और कचरा जलाकर हाथ तापते मिले। जब इन लोगों से बात की गई तो इनका कहना था कि अभी तो निगम के अधिकारियों को ठंड ही नहीं लग रही है, जब तक गरीब लोग ठंड से मरना शुरू नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, और जहां तक ठंड में लकड़ी डालने की बात है तो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। अरे करीब एक महीना हो गया। अच्छा, रात को ठंड लगती है? ठंड लगती है सर। अच्छा, लकड़ी का कोई इंतजाम है यहां पर? नहीं सर। कंबल का कोई इंतजाम? कुछ नहीं, ये घर की एक चादर हुई है बस। रात को ठंड लगती है? ठंड लगती है। तो किस तरह से करते हो? ऐसे पड़ जाते हैं, बैठ गए कभी उठ गए, ऐसी रात कट जाती है। प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं? सर कुछ। कितने लोग लगभग सोते होंगे आप यहाँ? तो सर ये इतने हैं, गरीब किसान बाकी और गाय वाय पड़ा हो रहे हैं सर। सब ठंड में ऐसी रहता है? ऐसी है सर। यहाँ लगभग आप पूरे मुरादाबाद में जिधर भी घुसेंगे वहाँ पे इस तरह के आपको 10-20-150 लोग ऐसे बैठे हुए मिल जाएंगे। ना कोई अलाव का इंतजाम है, सारे सरकार के सारे वादे खोखले को, ना कोई प्रशासन की किसी प्रकार की कोई मदद है गरीब लोगों के लिए, ना कोई इंतजाम है। और आप सब लोग देख सकते हैं, बाकी आप पूरे शहर ग्राउंड आइए, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो ठंड की वजह से परेशान है। बहुत से लोगों की हम देखते हैं, हर साल अखबार में पढ़ते हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है ठंड के कारण। सरकार की तरफ से किसी को कोई सुविधा नहीं दी जा रही, सिर्फ अखबार सिर्फ लिखित रूप में खाली खोखले वायदे हैं, और कागजी स्तर पर ही काम हो रहा है और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, सरकार की तो कोशिश रहती है कि अलाव या नगर निगम की तरफ से अलाव लगे, क्या मानते हैं प्रशासन की कमी है इसमें? प्रशासन दोनों की कमी है, और गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा गरीबों के लिए, कुछ नहीं हो रहा। अंजो, अंजो कहाँ, कब से हो यहाँ पर? यहाँ पर हमें 4 साल से हैं। अच्छा, क्या अभी क्या किस तरह का इंतजाम किया गया है, लकड़ी का कुछ है आपको? जी बाबू जी, हमारे पास कोई लकड़ी का इंतजाम नहीं है, कोई ओढ़ने का इंतजाम नहीं है। हम जब तक लेटे रहते हैं जब तक हमें नींद आती है, जब हमारी आँख खुल जाती है ठंड के मारे हमें नींद नहीं आती, हमारे पैर और कान बिल्कुल बर्फ रहते हैं। हम रात को भी इसको ओढ़ के सोते हैं, इसको कानों पर लगा के सोते हैं। पैर में हमारा ऐसा भी नहीं कि हमारे पैर में मोजा भी हो, और हमारे पैर में नहीं, जितने भाई लोग सो रहे हैं किसी के पैर में कोई चीज़ नहीं है, किसी ओढ़ने का कोई साधन नहीं है, ना ही कोई तापने के लिए। सुबह को उठते हैं हम, ठंड में उठते हैं, तो ना ही कोई हमारे पास जलाने के लिए कोई साधन है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है आपकी? जी जी, कोई मदद नहीं है हमारी, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, ना ही ओढ़ने की, ना ही हमारे हाथ तापने की, ना ही हमारे पैरों की तरफ देखने की, हमारे तरफ देखने की कोई इच्छा ही नहीं प्रशासन की। पल्लेदारी करते हैं। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ रुके हैं? हमें तो कम से कम 10 साल। अच्छा, 10 साल। ये किस तरह से जाड़ों का मौसम है, किस तरह से रात काटते हैं आप? लकड़ी काटते हैं। लकड़ी का इंतजाम? कोई लकड़ी का इंतजाम कभी नहीं होता नगर निगम की तरफ से, कोई लकड़ी नहीं पड़ती। लकड़ी मिलती ना। अच्छा, अभी अभी आपने आग जलाकर इसे सेकना है, तो कहाँ से आई है ये? तो हमने पन्नी बीन कर लाए। तो कितनी देर जलेगी ये? बस 1-1.5 घंटा। ओके, क्या टाइम हुआ है? 11 बज गए। तो पूरी रात पड़ी, अभी कैसे काटेंगे आप जाड़ों का? अच्छा, कितने लोग होते होंगे यहाँ पे? लगभग यहाँ तो 85 आदमी। अच्छा, पूरी रात जाड़ों में रहते, ठंड में रहते? पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।